तत्काल न्यूज लाइव के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। नमस्कार, मैं हूं तोरल और आप देख रहे तत्काल न्यूज लाइव। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की गोली मारकर हत्या करने के कुछ दिनों बाद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान शुक्रवार को उनके घर पहुंचकर परिजनों से मिले। मान शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करने के लिए मूसेवाला के गांव पहुंचे थे। मूसेवाला के आवास के बाहर भारी पुलिस सुरक्षा तैनात की गई है। पंजाब के मनसा जिले में 29 मई को कुछ अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। उनके साथ जीप में यात्रा कर रहे उनके चचेरे भाई और एक दोस्त भी हमले में घायल हो गए हैं। बता दें कि पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार ने 400 से अधिक VIP सुरक्षा हटा ली थी, इसमें मूसेवाला भी शामिल थे। विपक्ष ने इसके लिए आम आदमी पार्टी की सरकार की तीखी आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए ये कदम उठाया। मूसेवाला के परिवार ने भी सरकार पर निशाना साधा। उनकी मां चरण कौर ने कहा कि हमारे बेटे के साथ 4 लोगों की तैनाती को लेकर आपने ये किया, क्या फर्क पड़ा? अब क्या तुम्हारा खजाना भर जाएगा? भर लो खजाना। वही गायक सिद्धू मूसेवाला की गोली मारकर हत्या किए जाने के 5 दिन बाद पंजाब सरकार ने आज कहा कि 420 से अधिक VVIP के लिए सुरक्षा कवर 7 जून से फिर से बहाल कर दिया जाएगा। पूर्व मंत्री OP सोनी की एक याचिका पर सुनवाई के दौरान आम आदमी पार्टी सरकार ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय को ये बताया। मुख्यमंत्री भगवंत मान सिद्धू मूसेवाला के घर वालों से मिलने के लिए मूसा गांव पहुंचे। मुख्यमंत्री मूसेवाला के परिवार से मुलाकात कर रहे। इससे पहले आप विधायक गुरप्रीत बनावली भी सिद्धू मूसेवाला के घर वालों से मिलने के लिए उनके घर पहुंचे। हालांकि उन्हें लोगों का विरोध झेलना पड़ा। उनके खिलाफ घर वालों और स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया। वही रविवार को सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी गई।